नमस्कार दर्शकों, स्वागत है सिनेमा एनालिटिक पर। ब्रह्मास्त्र फिल्म आई है जिसका हम रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे फिल्म कैसी है, आपको देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम हर फिल्म का रिव्यू करते हैं, थिएटर से रिव्यू करते हैं, हर जगह से रिव्यू करते हैं, और हर फिल्म का रिव्यू आपके सामने सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा। और ये फिल्म जो है, हमने हमें प्रेस इनवाइट मिला था जहाँ पर हमने जा करके जो फिल्म है उसके रिलीज़ के एक दिन पहले हमें फिल्म दिखाई गई थी, प्रेस के लिए रिलीज़ रखी गई थी। इसके अलावा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे रणबीर और आलिया के साथ। तो ये फिल्म रिव्यू है जिसमें आपको हम बताएंगे कि फिल्म कैसी है, अच्छी है, आपको देखने जाना चाहिए या नहीं, आपके लिए क्या खास है फिल्म में। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो फिल्म देखी मैंने, और ब्रह्मास्त्र जिसको 410 करोड़ में बनाया गया है, अयान मुखर्जी साहब ने इस फिल्म को बनाया है, रणबीर कपूर ने इसमें एक्टिंग की है, आलिया भट्ट ने इसमें एक्टिंग की है, अमिताभ बच्चन ने इसमें एक्टिंग की है, बड़े बड़े नाम हैं फिल्म में। ब्रह्मास्त्र कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, और अब फिल्म रिलीज़ किया गया, लेकिन फिल्म को बॉयकॉट भी बहुत हुआ, लेकिन इस फिल्म को बॉयकॉट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अपने आप में ही एक फेल फिल्म है, ये अपने आप में ही एक बेवकूफ़ाना हरकत है अयान मुखर्जी के द्वारा जो वो जनता के साथ करने जा रहे हैं। इस तरह की फिल्म जिसमें ज़ीरो क्रिएटिविटी है, ज़ीरो दिमाग का जो है यूज़ है, बिल्कुल बेकार है। ऐसे जैसे लगता है किसी भी इंसान ने जो है इस फिल्म को लिख दिया है, वो कुछ भी करा रहा है, उसने कुछ फिल्में देखी हुई हैं और बस उन्हीं के अनुसार उसने फिल्म बना दी है, और उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है कि देखो ये हमने पौराणिक फिल्म बना दी है, पौराणिक फिल्म बना दी है, आपने ये पौराणिक फिल्म बनाई है, क्या है पौराणिक आपका इसमें? अयान मुखर्जी साहब से ये पूछना चाहिए कि आपने इसमें पौराणिक डाला है तो आपका इसमें क्या है, आपको कितना कितना पुराण का, कितना वेद का, कितने धर्म ग्रंथों का अक्ल है, कितना आपको अक्ल है, कितना रणबीर कपूर को अक्ल है, कितना आलिया भट्ट को अक्ल है। जिस तरह का आपने फिल्म बनाया है, ये सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है, कुछ भी है, मैं किसी धर्म और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने बनाया है और जो बोला है कि पौराणिक फिल्म है, पुराणों से लेकर है, वेदों से लेकर है, स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, एंशियंट इतिहास पर बेस्ड है, कुछ नहीं है आपकी फिल्म में, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप किस इस तरह की फिल्में बनाएंगे, ये आप इंडियन सिनेमा को देना चाह रहे हैं? अयान मुखर्जी, मैं बहुत गुस्सा हूँ इस फिल्म मेकर से, और मैं कहता हूँ स्टूपिड फिल्म मेकर है। करण जौहर, आपका दिमाग फिर चुका है, आप अपने दिमाग को संतुलन बैठाइए, या तो आप किसी अच्छे इंसान को कंसल्टेंट रखिए, किसी अच्छे लोगों के साथ काम करिए। आपके यहाँ श्रीमी वर्मा या शर्मा जो हैं वो काम करती हैं, आपके यहाँ सोमेन मिश्रा काम करते हैं, आपके यहाँ एक और लेडी हैं जो काम करती हैं, और ये मुझे नहीं पता, बट ये पूरा आपका कंटेंट खराब कर रहे हैं। 400 करोड़ का आपने ये फिल्म बनाया, और इसमें क्या है VFX के नाम पे? क्या है VFX? लो क्वालिटी VFX, क्या है VFX के नाम पे? नथिंग, कुछ नहीं है आपका VFX। VFX देखने भी जनता नहीं जा सकती है, और ना ही फिल्म देखने जा सकती है, ना कहानी में अच्छा है, ना VFX में अच्छा है, टोटली बैड फिल्म है। कहानी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है आपकी कहानी में। अयान मुखर्जी, हुसैन दलाल ने डायलॉग सीखे, क्या है डायलॉग? एक डायलॉग आपको असर नहीं करता, फ्लैट, सब फ्लैट। चाहे अमिताभ बच्चन बोल रहे हो, चाहे रणबीर कपूर बोल रहे हो, चाहे आलिया, क्या यूज है आलिया भट्ट का? आपने हर जगह वो प्यार का एंगल दिखाना चाहा, वो रूमी वाला एंगल, पूरी की पूरी कहानी आपकी वही है, वही रूमी वाला एंगल है, प्यार को आपने सबसे बड़ा कर दिया। क्या है प्यार? प्यार की अगर परिभाषा आपको देनी थी, रियलिटी बेस्ड परिभाषा देते, क्या आप परिभाषा दे रहे हो? झूठी परिभाषा, झूठी बातें, कुछ भी कह रहे हो, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अकल नहीं है, बुद्धि से लेकर के फिल्म ही नहीं बनाया, कोई पढ़ा लिखा काम नहीं किया, लॉजिकल फिल्म नहीं है, इलॉजिकल बातें कर रहे हो। किस तरह की फिल्म बनाया है यान मुखर्जी? अगर फिल्म बना रहे थे, आज लोगों को टेस्ट बदल गया है, लोगों ने फिल्में देखी हैं, कई कई तरह की फिल्में देखी हैं, और लोगों को पता है किस फिल्मों को कैसे बनना चाहिए, आज लोगों को वो अक्ल है। आपने लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया, आपने सोचा है जो आप दे दोगे वो चल जाएगा, जीरो जीरो। मतलब लाल सिंह चड्ढा एक फिल्म आई थी जो जीरो थी, आपकी एक फिल्म आई है वो महा जीरो फिल्म है, कोई आपने कोई ही काम नहीं किया है। रणबीर कपूर जो एक अच्छा एक्टर था, राज कपूर के खानदान से ताल्लुक़ रखता है, एक उसकी नाम है, एक फैमिली का उसका नाम है, उसके ऊपर एक नाम है, उसका नाम आप खराब कर रहे हैं, उसकी एक्टिंग को आपने खराब किया है, उसमें एक डायलॉग आपने उसको ढंग का नहीं दिया है। अयान मुखर्जी, अगर आपको कोई फिल्म बनानी थी, आपके मतलब की बनानी थी, तो आप बनाते, लेकिन इसको पब्लिक के लिए नहीं रखना था, क्योंकि आपने इंडियन सिनेमा का नाम खराब किया है। आपको नहीं आता है फिल्म बनाना, आपको बिल्कुल फिल्म बनाना नहीं आता है, आपने बहुत गंदा फिल्म बनाया है।
मैं जब वो फिल्म देख रहा था, न जाने कितने बार रणबीर कपूर का एक्टिंग वही पुराना लग रहा था, न जाने कितनी बार मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है फिल्म में, ये क्या हो रहा है, VFX के नाम पर आपने क्या डाल दिया है, कुछ भी किसी भी तरह के कलर मिक्सिंग कर दिया है, कोई उसमें रियलिज्म नहीं आ रहा है, कोई इसमें तत्व नहीं आ रहा है, कोई रियलिटी बेस्ड नहीं फिल्म है, रियलिटी से कोसों दूर फिल्म है। और कौन है आपकी फिल्म में, कौन है, कहाँ है, हम ये जो लोग हैं वो कहाँ हैं फिल्म में? सिर्फ अमिताभ बच्चन, सिर्फ रणबीर कपूर, सिर्फ आलिया भट्ट, इन पर आप फिल्म केंद्रित करना चाहते हैं? लोग कहाँ हैं आपकी फिल्म में? सिर्फ आपने फिल्म बना दिया है आलिया भट्ट को लेकर के, रणबीर कपूर को लेकर, अमिताभ बच्चन को लेकर के, मौनी रॉय को लेकर के, नथिंग, कोई नहीं है आपकी फिल्म में। जिस तरह से आपने फिल्म बनाई है, ये फिल्म बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और दोस्तों देखिए, बहुत सारे रिव्यूज़ आएंगे, कुछ मीडिया है, हर तरह से काम करता है, कुछ कैसे रिव्यूज़ होते हैं, कुछ कैसे रिव्यूज़ होते हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो फिल्म मैंने देखी, जिसकी मैंने प्रेस रिलीज हुई थी, प्रेस में देखने गया, मैं आपको बता दूँ, फिल्म में देखने लायक कुछ खास नहीं है, कहानी में कुछ खास नहीं है। जो विजुअल इफेक्ट्स यूज़ किए गए हैं वो आपको बहलाएंगे जरूर, वो हो सकता है आपको कि क्या आपने हमारे इंडिया में बहुत सारी फिल्में ऐसी नहीं बनी हैं, ज़रूर होंगी, लेकिन उसमें भी कोई विजुअल इफेक्ट्स भी आपको अच्छे नहीं हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं है, पता नहीं कहाँ पर क्या क्या VFX यूज़ होते हैं, आपने पता नहीं कब के क्या VFX कुछ भी दिखा रहे हो, एंड इलॉजिकल फिल्म है, फिल्म में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, फिल्म की कहानी में कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, फिल्म की कहानी से आप कहीं जुड़ेंगे नहीं, इमोशनल की तो है ही नहीं, भूल गए हैं इमोशनल इमोशनल चीज़ें यूज़ करना यार मुखर्जी, यू इमोशनल बातें तो हैं ही नहीं, डायलॉग तो सपाट से, आपने अमिताभ बच्चन को लेकर के एक डायलॉग आपका काम नहीं किया है सर, एक डायलॉग नहीं है अमिताभ बच्चन का काम किया, और अमिताभ बच्चन भी कुछ भी कर रहे हैं फिल्म में, हर कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। और ये तो मैंने बात बताई आपको फिल्म की क्राफ्ट से लेकर के, धार्मिक चीज़ों को जिस तरह से जो है गलत इस्तेमाल किया है, वो तो बात अभी होंगी तब आपको पता चलेगा, धार्मिक चीज़ों का जिस गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ओ माय गॉड, ये कर रहे हो आप, आपने ब्रह्मदेव और देव और शिवा और ईशा ये सब नाम रख लिए, सब नाम दिखा दिए, लेकिन उनका इस्तेमाल क्या है, उनसे आप क्या करा रहे हो, एक शिवा से आप क्या करा रहे हो, एक ब्रह्मदेव को आपने क्या बना दिया है, क्या कर रहे हो, क्या, यू आर स्टूपिड आर्यन मुखर्जी, यू आर स्टूपिड, नो, यू हैव नो सेंस, बेवकूफ, बहुत ही बेकार और बहुत ही घटिया फिल्म बनाया है। मैं पता नहीं मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, पर मैं सच में बोल रहा हूँ, इतनी घटिया फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी, और जिस तरह से मुझे मुझे घटिया फिल्म देखने का मिला मलाल नहीं है, मुझे मलाल इस बात का है कि आयान मुखर्जी ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया, उन्होंने बोला था स्पिरिचुअलिटी बड़ी फिल्म होगी, दर्शकों को दुभाएगी, प्रेम की फिल्म होगी, और मतलब कुछ होगा स्पिरिचुअल, मुझे लगा था अच्छी फिल्म होगी, एक स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलेगी, अच्छे VFX देखने को मिलेंगे, 400 करोड़ की फिल्म है, रणबीर कपूर है, आलिया भट्ट है, अमिताभ बच्चन है, अयान मुखर्जी है, करण जौहर है, ये सब टीम मिलकर के काम की है, एक अच्छी फिल्म होगी, कह भी रहे हैं तो अच्छी फिल्म होगी, चलो बॉयकॉट छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, अच्छी फिल्म होगी, पर मिला क्या सर, आपकी फिल्म कुछ भी कह रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बात कह दी या कुछ गलत बोल दिया, पर दर्शकों मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म में कुछ भी नहीं है, कहानी के लेवल पर कुछ नहीं है, इमोशनल लेवल पर कुछ नहीं है, इंगेजिंग लेवल पर कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट लेवल पर कुछ नहीं है, कहानी में कहीं भी कुछ हो रहा है, 1 से लेकर के 10 तक, 100 तक कहीं भी कुछ हो रहा है, और VFX भी कोई काम के नहीं है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू, रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट कर दें, धन्यवाद।